नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर की ओर से। आपको कोल्ड एलर्जी है, ये कैसे समझेंगे? आज इसी का चर्चा हम लोग करेंगे। आप जो नए बंधु हैं, नए फ्रेंड्स हैं, जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है सब्सक्राइब का बेल में ऑल दबाएंगे, पहला वीडियो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। और जो बंधु पुराने लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार। आपको क्या ठंड का एलर्जी है, कोल्ड का एलर्जी है, ये आप जानेंगे कैसे? ठंड के एलर्जी के लोगों को, जैसे नॉर्मल पीपल को बहुत ज़्यादा सीवियर सीजनल चेंज हुआ, उस टाइम ठंडी खांसी लग गया, दो चार पाँच दिन में ठीक भी हो गया, उसके बाद वो नॉर्मल लाइफ में आ गए। लेकिन जिनको ठंड का एलर्जी होता है, कोल्ड एलर्जी होता है, उनको बराबर हर 10-15 दिन के बाद से सर्दी खांसी लगना शुरू हो जाता है, खांसी हो जाता है, सर्दी हुआ, गला में खराश हो जाएगा, नाक से पानी बहने लगेगा, छींक आने लगेगा। ये एक तरह का चीज़ भी हो सकता है, एकाधिक चीज़ भी हो सकता है। किन्हीं को तो सांस का भी तकलीफ होने लगता है। तो ये सारे जो चीज़ हैं, ये सारी परेशानियाँ बहुत समय मौसम के बदलाव के समय थोड़ा सा सीजनल वेरिएशन हुआ और ये सारा प्रॉब्लम शुरू हो गया। बारिश बाहर हुआ, आप नहीं भी भीजे, घर में बैठे हुए बाहर बारिश हो रहा है तो भी आपको ठंडा सर्दी लग गया। बारिश में रास्ता इस पार से उस पार गए, सर के चूल में थोड़ा सा पानी लगा, स्कैल्प तक भी नहीं पहुंचा, जबकि चूल का कोई सेंसेशन ही नहीं है, वो चूल के ऊपर थोड़ा सा झीसी लगा और आपको सर्दी लग गया। ऐसा क्यों? हम लोग सोचते हैं कि ये मौसम का वेरिएशन हुआ, थोड़ा ठंडा पड़ा, टेम्परेचर कम हुआ, इसलिए मेरे को ठंडा लग गया। अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग, सुबह भोर में या शाम को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ होना, ये सारा लोगों को होता है। तो उस समय भी हम लोग सोचते हैं कि क्लाइमेट में सूर्य भगवान नहीं है, सूर्य देवता नहीं है, इसलिए सुबह में नहीं थे, ठंडा था, उनका तेज बड़ा, ताप पड़ा तो मेरा प्रॉब्लम कम हो गया। लेकिन अर्ली मॉर्निंग में था, फिर सूरज डूब गया, फिर थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ, फिर मेरे को सर्दी लग गया। ये हम लोगों का धारणा और सोचना है। तो इस तरह के लोग खाने पीने में भी बड़ा परहेज करते हैं, ठंडी चीज़ें नहीं खाते हैं, गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं और ये सारा चीज़ करते हैं। इन सारे परहेज करने के बावजूद भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं होता है, हर कुछ दिन के बाद ये सर्दी खांसी ठंडा, और ये पूरा क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करके रख देता है। आपको एकदम बंद नहीं कर देगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी नॉर्मल नहीं चलने देगा, एक इरिटेशन, एक किचकिचाहट बराबर लगा के रखेगा। तो ये सारा प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा होता है हम लोग के आबो हवा में, जो डिफरेंट पोल्यूटेंट्स है, जो डिफरेंट पोलेंस है, फंजाई है, माइट है, डस्ट है, डिफरेंट फ्यूम्स ऑफ मॉस्किटोज हैं, डिफरेंट एनिमल डैंडर्स हैं, ये सारे चीज़ हम लोग के सांस के साथ अंदर फेफड़ों में जाता है, और फेफड़े में बैठा हुआ मास सेल, जो रिसेप्टर सेल है, इसको रिसीव करके उसमें से जो जो चीज़ हमारे शरीर को रिएक्ट करता है, हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, वो एक रिएक्शन देता है, उस रिएक्शन से अंदर सूजन आ जाता है, उस सूजन आने की वजह से एक्सेसिव कफ प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। इसको पहचान करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत है मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करके पहचान करना, किन किन चीज़ों से हो रहा है। मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करके पहचान जब हो जाएगा तो उसके खिलाफ एक वैक्सीन बना के बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बिल्टअप कर दिया जाता है उन एलर्जन के अगेंस्ट में, ताकि वो एलर्जन बॉडी के अंदर अटैक करके फिर ट्रिगर नहीं कर पाए ये सारे प्रॉब्लम्स, और इससे निजात पाया जा सकता है। इन तरह का परिसेवा अगर आप किसी को भी ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर में कॉल करके आपको सशरीर आना पड़ेगा, क्योंकि ये टेस्ट जो है आपके ऊपर, चमड़े के ऊपर होगा, करने की ज़रूरत पड़ती है। ये ऑनलाइन वगैरह कोई परिसेवा देना संभव नहीं है, और अपॉइंटमेंट लेके ही आना होगा। मैं कोलकाता में सियालदा स्टेशन के पास मौलाली मज़ार और इंटरनी सिनेमा हॉल के बीच में एक ही जगह बैठता हूँ। स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट लेके आने पर ये परिसेवा देना संभव है। आज के लिए मैं यहीं विराम देता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर की ओर से। अगर और कुछ भी एलर्जी के बारे में संबंधित कोई जानकारी अगर चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे, मैं कोशिश करूँगा अगले कार्यक्रम में उसके बारे में चर्चा करने का। धन्यवाद।